ज्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। हम लोग यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर हैं आज, और जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि हाथरस के अंदर एक दलित समाज से आने वाली लड़की के साथ चार लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था आज से 15 दिन पहले। इस घटना के बाद लड़की की जुबान काट दी गई थी ताकि वो किसी को नाम ना बता सके। उसका गला घोट के उसकी हत्या करने की कोशिश की गई, लड़की बच गई, और उसकी रीढ़ की हड्डी पे इतनी चोट की गई थी कि उसके हाथ और पैर भी 15 दिन से नहीं चल रहे थे। अब ये बात सब लोग देख रहे हैं कि जब से ठाकुर अजय सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ज्यादातर जिले की बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर ठाकुर समाज के लोगों को उन्होंने काबिज किया है, जिसकी वजह से ऐसा वर्ग ठाकुर समाज के अंदर जो हिस्सा होगा, जो आपराधिक छवि कर रहा होगा, वो एक निरंकुश तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम कर रहा है। और एक पैटर्न उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाता है कि जहां पे इस तरह से बलात्कार किए जा रहे हैं और लड़कियों की या तो हत्या कर दी जा रही है या उनकी जुबान काट दी जा रही है। मेरे साथ राजेंद्र गौतम जी हैं यहाँ पे, और बहन राखी बिरला भी हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं कि बॉडी जो है वो यहाँ पे मिले। आज सुबह सुबह बहुत ही दुखद खबर मिली कि हाथरस ने जिस प्रकार से समाज की एक बेटी के साथ 15 दिन पहले दुर्घटना हुई थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, आज सुबह सुबह सफदरजंग में उसकी मृत्यु हो गई। यूपी सरकार ये कहकर उसे लेकर आई थी कि एम्स में उसको एडमिट कराया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश एम्स अस्पताल दिल्ली का सिर्फ वीआईपीज के लिए जो है फिक्स है, सफदरजंग अस्पताल में उसे लाया गया। और डॉक्टर से जब हमारी बात हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि अगर ये बच्ची एक हफ्ता पहले या कुछ समय पहले हमारे पास आती तो शायद हम इसकी जान बचा सकते थे। इस पूरे घटनाक्रम से मुझे एक बात समझ आती है कि योगी सरकार नहीं चाहती थी कि ये बच्ची बचे, योगी सरकार नहीं चाहती थी कि ये बच्ची अपना बयान दे पाए, और जो ठाकुर अपराधी जो इसमें अपराध में लिप्त है, जो बलात्कारी लोग हैं, वो कहे जा रहे हैं कि ठाकुर समाज से, और उनको सजा दिलाई जाए। मैं आज इस घटनाक्रम से बहुत आहत होकर, दुखी होकर, सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग करती हूं कि योगी सरकार को तुरंत जो है बर्खास्त कर देना चाहिए, योगी जी का इस्तीफा लेना चाहिए, और यूपी के अंदर तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाते हुए हाथरस के इस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और सुरक्षा मिलनी चाहिए, ताकि ये बीजेपी शासित जो गुंडे हैं, जिस तरह से सेंगर ने पीड़ित परिवार को पूरा खत्म कर दिया था, उस तरीके से कम हाथरस का ये परिवार जो है अपनी जान और माल की सुरक्षा कर पाए, इसके लिए इनको सुरक्षा दी जानी चाहिए और यूपी के अंदर तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाकर इस गुंडा राज को खत्म करना चाहिए। और जब से पीड़िता के पिताजी से और भाई से बात हुई है तो मन और ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो एक तरफ तो उनकी बेटी के साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ, उसकी जान चली गई, और दूसरी तरफ उनको थ्रेटनिंग की जा रही है। उनको ये डर है कि कहीं उनके साथ भी उसी तरह की घटना ना हो जाए जो सेंगर वाले केस में जो पीड़िता के परिवार के साथ हुआ। हम लोग देख रहे हैं लगातार यूपी के अंदर दलितों के साथ, ओबीसी के साथ, ब्राह्मण समाज के साथ, सबके साथ एक एक करके जुल्म हो रहा है, सबकी हत्याएं हो रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, और बलात्कार करने वाले जो दोषी हैं उनके हौसले बुलंद हैं। यहाँ तक कि एक इंस्पेक्टर का मर्डर कर दिया गया, और मर्डर करने वाले को वहाँ जो सत्ता में सरकार है वो उस व्यक्ति को अपने संगठन के अंदर पद दे रही है और उसका हौसला बुलंद कर रही है। इस वजह से यूपी के अंदर जंगल राज बन गया। लगातार जो अपराधी की प्रवृत्ति के लोग हैं वो एक के बाद एक वारदात करते जा रहे हैं, हत्याएं करते जा रहे हैं, रेप की घटनाएं होती जा रही है, और यूपी का प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है। योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और साथ ही साथ हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि योगी सरकार को भंग करके और उसे इस घटना की सीबीआई जांच करवाई जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, टाइम बाउंड मैनर में जांच करके 2 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए, और 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके 6 महीने के अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटना करने वाले लोगों में डर पैदा हो सके।